वेलकम टू आवर चैनल। आज है 6 अप्रैल 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 6 अप्रैल 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एम स्ट्रिप्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हाथियों के लिए निगरानी प्रणाली, ऑप्शन बी सुरक्षा राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन सी बाघों के लिए निगरानी प्रणाली, ऑप्शन डी जंगली जीवों का प्रजनन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाघों के लिए निगरानी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप के साथ कौन भागीदार बना है? ऑप्शन सिडबी, नीति आयोग, भेल, एनटीपीसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और चेयरपर्सन है पीएम नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, रोजगार समाचार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोजगार समाचार। फुल फॉर्म क्या है पीएमजेडीवाई के? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और पीएमएसबीवाई के फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और पीएमजेजेबीवाई के फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसके सही उत्तर है रोजगार समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस साल पुरुष हॉकी विश्व कप होगा? ऑप्शन 2020, 2021, 2022, 2023। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2023। यह कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने पीएम केयर फंड को कितना पैसा दान किए हैं? ऑप्शन 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए। तो इसके सही उत्तर है 50 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 वेज एंड मींस एडवांसेस के लिए कितनी राशि को अग्रिम सीमा के रूप में निश्चित किया है? ऑप्शन 1.2 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.2 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लाइफ लाइन उड़ान शुरू की है? ऑप्शन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अभी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नौका यात्रियों सोलोमन द्वीप में एक शक्तिशाली तूफान के कारण पानी में बह गए। सोलोमन द्वीप किस भौगोलिक क्षेत्र में है? ऑप्शन ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए ओशेनिया, ओशेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ताहिर खान, अजमल खान, नाहरू खान, मोहम्मद खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाहरू खान। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 अप्रैल। 4 अप्रैल को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित किया है,
फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, जिनेवा, लंदन, पेरिस। तो इसके सही उत्तर है ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। फीफा के फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, तिहार किस देश का त्योहार है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 6 अप्रैल 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको 2-3 बार रिविजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या हमसे जुड़े रहने के लिए, आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।